आज हम पढ़ेंगे एजिंग के क्या कारण रहते हैं, किन कारणों से एजिंग हो सकती है, दैट मींस कॉजेस ऑफ एजिंग पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कॉजेस की, फर्स्टली जो कॉजेस होते हैं एजिंग के हमारे, वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेलुलर लेवल पर, कोशिका के लेवल पर हो सकते हैं, जीन लेवल पर हो सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे सिस्टम लेवल पर भी हो सकते हैं, कि सिस्टम के कारण हो रहे हैं, कि जैसा तंत्र है, जैसा सिस्टम है हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, उसके कारण भी एजिंग हो सकती है। तो जब हम एजिंग के कारणों को देखते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज को देखेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने जो थ्योरीज दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में पहले हम वर्णन करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, और फिर हम पता लगाएंगे कि क्या कारण हो सकता है एजिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरीज की। तो सबसे पहले नंबर पे जो थ्योरीज आती हैं, सिद्धांत आते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्यूलर थ्योरीज। ठीक है, यानी कि कोशिकीय सिद्धांत, कि कोशिकाओं के आधार पर ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनके कारण हम बोल रहे हैं एजिंग। नंबर वन हम लेंगे इसी के अंदर, इसको हम फर्स्ट मार्क करते हैं इस तरह से। इसमें नंबर वन है एरर कैटास्ट्रोफी थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट थे लेस्ली ई ऑर्गल। ठीक है, ये नाम था साइंटिस्ट का, इन्होंने एरर कैटास्ट्रोफ थ्योरी। एरर का मतलब होता है त्रुटि, कहीं पर कुछ गड़बड़ी आ गई, त्रुटि आ गई, जिसके कारण से जो संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें परिवर्तन हुआ, उनमें चेंजेस देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रोटीन है, हमारे प्रोटीन जो है, उनकी संरचनाओं में, उनकी स्ट्रक्चर्स में एरर कैसे आएंगे, त्रुटि कैसे आएगी, अगर जो अमीनो एसिड जुड़ रहा है उसकी जगह पर दूसरा अमीनो एसिड आकर जुड़ जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो प्रोटीन बना है उसमें एरर आया है, उसमें त्रुटि हुई है, जिसके कारण दूसरे प्रकार का प्रोटीन देखने को मिला। अब हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन क्योंकि विभिन्न प्रकार के बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस आधार पर हम ये चीज भी बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन बनना था वो ना बन के कोई और प्रोटीन बना, तो ये एरर हुई एक प्रकार की, कि जुड़ना कोई अमीनो एसिड था और उसकी जगह पे ऐड क्या हुआ, दूसरा टाइप का अमीनो एसिड का एडिशन हुआ वहां पर, राइट। तो हम ये बोलेंगे कि अगर नॉर्मल प्रोटीन है जिसका कुछ ज्यादा कार्य नहीं होगा, ज्यादा फंक्शन नहीं होगा, वो तो ठीक रहेगा यहां पर, राइट, वो तो यहां पर ठीक रहेगा, कि एरर भी हो गया तो भी चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोटीन है, जैसे सपोज हमने बोला आरएनए पॉलीमरेज है, जिस पर पूरी की पूरी एक्टिविटी जो है, पूरी एक्टिविटी इस पर डिपेंड करती है, और इस प्रोटीन के फॉर्मेशन में, निर्माण में अमीनो एसिड दूसरा आकर जुड़ जाता है ट्रांसलेशन की क्रिया के समय पे, तो क्या होगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज एरर शो करेगा, और इसे बनाना क्या था, आरएनए का फॉर्मेशन करना था, आरएनए निर्माण करना था, तो वहां पर ये आरएनए से प्रोटीन दूसरा ही बना दे। ठीक है, आरएनए दूसरा बनेगा तो प्रोटीन ऑटोमेटिकली वहां दूसरा बन जाएगा। तो ये चीज बोली गई कि अगर प्रोटीन की संरचना में चेंज होता है, त्रुटि आती है, बदलाव आता है, एरर आता है ट्रांसलेशन के समय में, क्योंकि प्रोटीन बन किससे रहा है, एमआरएनए से बन रहा है प्रोटीन, राइट, और क्रिया कौन सी होती है, ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। तो वहां पर हम बात करते हैं कि अगर इस प्रकार के एरर वाले प्रोटीन ज्यादा बढ़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि एजिंग हो, ठीक है, जीन का आई, यानी कि ऐसे प्रोटीन अगर बॉडी में ज्यादा देखने को मिले, यानी कि वो किसको प्रमोट कर रहे हैं, एजिंग। ठीक है, क्योंकि जो कार्य उसे करना था वो तो कर नहीं पाएगा,
एरर के कारण, तो क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी वहां, राइट, जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी कि इसके कारण एजिंग हो सकती है। लेकिन बाद में जब ये चीज देखी गई ड्रोसोफिला के अंदर, उनकी स्टडी की गई प्रोटीन्स की, एजिंग के टाइम पे देखा गया, तो ये बताया गया कि एजिंग के टाइम पे, आयु बढ़ने के टाइम पे ऐसे कोई प्रोटीन संरचना वहां पर ज्यादा देखने को नहीं, ठीक है, थोड़ी बहुत देखने को मिली लेकिन ज्यादा संरचना वहां देखने को नहीं मिली। तो फिर इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को बाद में डिक्लाइन कर दिया गया, माना नहीं गया, ठीक है। फिर दूसरी थ्योरी हमारी आती है इसी पर, कोशिकाओं के आधार पर ही, जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड एरर। इस थ्योरी को दिया था एल साइलेंट, राइट, और इसे हम बोलते हैं परिकल्पना है, ये भी एक साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस है, राइट। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो म्यूटेशन कब होता है, कौन सी कोशिकाओं में होता है, कहाँ होता है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगा, ठीक है, जो सडन चेंज होता है, अचानक से वातावरण में चेंज, एनवायरमेंट में बदलाव आने के कारण जो चेंज होगा वो डीएनए पे पड़ता है, और डीएनए अगर बदल जाता है तो बाद में हमारा एमआरएनए जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, उसमें भी चेंजेस आएंगे, और अगर एमआरएनए बदल जाता है तो हमारा प्रोटीन भी बदलेगा। तो इस प्रकार से हम ये बोल रहे हैं कि म्यूटेशन हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं वहां पर, और उसके कारण, क्योंकि यहाँ पर म्यूटेशन हुआ एक जगह पे, हमने बात की जैसे इस जगह पे म्यूटेशन हुआ तो डीएनए चेंज हो गया, उसके कारण एरर हुआ यहाँ पर प्रोटीन की संरचना में, क्योंकि पूरा प्रोसेस कैसा है, एक के बाद एक हो रहा है, तो प्रोटीन में एरर आएगा। और हमने ये बोला कि अगर प्रोटीन एरर वाले हैं, ज्यादा है, तो वो एजिंग को बढ़वाएंगे, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एजिंग से। ऐसे प्रोटीन अगर ज्यादा होंगे एरर वाले तो एजिंग बढ़ेगी। यही चीज बाद में वापस से मना की गई कि ऐसा देखा ही नहीं गया, जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, माइस में एक्सपेरिमेंट किए गए, देखा जीन लेवल पर, प्रोटीन लेवल पर, प्रोटीन की स्टडी की, क्योंकि उनको देखा गया, तब ये बोला गया कि ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं एजिंग के साथ कि इन प्रोटीन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, एरर वाले प्रोटीन्स की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए इस थ्योरी को भी बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर सेल्यूलर थ्योरी में ही, कोशिकीय सिद्धांतों में ही तीसरी थ्योरी हमारी आती है, जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल थ्योरी, मुक्त मूलक सिद्धांत। इसे दिया था डी हैनन ने। अब पहली बात अगर हम करते हैं तो मुक्त मूलक फ्री रेडिकल जो होते हैं वो होते क्या है, सबसे ज्यादा अस्थिर होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं, प्लस एक्टिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अयुग्मित प्रकार के इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फ्री रेडिकल बनते कब हैं, ये भी चीज आती है, तो हमारे फ्री रेडिकल्स मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के टाइम पे उस समय पर बन सकते हैं।
ठीक है। तो हम बोलते हैं फ्री रेडिकल थ्योरी, मुक्त मूलक सिद्धांत, मुक्त मूलक बन कब रहे हमारे, फ्री रेडिकल्स का निर्माण कब हो रहा है, जब उपापचय क्रियाएं हो रही, उन क्रियाओं के समय पे मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है, ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो बॉडी में ही बनते जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये होते कैसे हैं, अयुग्मित प्रकार के लोन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित होते हैं, लोन पेयर फॉर्म में होते हैं, पेयर्स भी नहीं, युग्मित नहीं। तो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन या अवेलेबल रहेगा तो ये एक्टिविटी आसानी से कर सकता है, यहाँ पर कोई भी क्रिया करनी होगी आसानी से कर सकता है, इसलिए कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, और सक्रिय के साथ साथ अनस्टेबल भी हैं, अस्थिर भी हैं, इसलिए बहुत जल्दी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते। तो ये कहा गया कि इनकी उपस्थिति में एजिंग जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है, इनके कारण एजिंग बढ़ सकती है, ये चीज बताई गई साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरी चीज ये भी बोली गई कि क्योंकि मुक्त मूलक ज्यादा है, तो हमने ये तो बोल दिया कि एजिंग बढ़ रही है इनके कारण, लेकिन विटामिन ई और बी के कारण मुक्त मूलक की संख्या जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर एक्सपेरिमेंट किया गया, एक उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि वहां पर जो एजिंग कोशिकाएं हैं जिनकी एज ज्यादा है, उनमें देखा गया कि फ्री रेडिकल्स की संख्या कैसे है, क्या मुक्त मूलक ज्यादा उपस्थित है, तो उस चीज को बाद में जाकर डिस्कार्ड किया गया कि इसके कारण एजिंग तो नहीं हो सकती, कि रेडिकल्स बन रहे तो एजिंग हो रही है, ये चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज देखने को वहां मिली है। चौथी हम बात करते हैं, चौथी थ्योरी की, फोर्थ थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं केलोन सिद्धांत या केलोन थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को दिया था बुलॉक नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। पहली बात तो केलोन क्या होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो केलोन क्या है, एक प्रकार का सब्सटेंस है, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, जो क्या करता है, सेल डिवीजन को, कोशिकाओं में जो डिवीजन हो रहा है उसको रोकता है। ये वाला साइन लगाने का मतलब है रोकना, स्टॉप करना, ठीक है। जिसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का म्यूकोपॉलीसेकेराइड हो गया केलोन, जो कि कोशिकाओं में उपस्थित अगर रहेगा तो उनमें विभाजन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसकी प्रेजेंस में सेल डिवीजन जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट करता है, ये रोकता है कोशिकाओं के विभाजन। तो अगर हम बोलते हैं कि कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति देखी जाती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि एजिंग को प्रमोट कर सकता है, ठीक है, आयु को बढ़ा सकता, यानी कि एज के साथ साथ कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति देखने को मिल सकती है, पर इसे आधार नहीं माना गया एजिंग का। हाँ, ये बोला गया कि हो सकता है एजिंग में ये सब्सटेंस बढ़ रहा है, इसकी मात्रा बढ़ रही है, तो सेल डिवीजन रुक रहा है और उसके कारण एजिंग हो रही है, मान सकते हैं, लेकिन पूरा इस पर डिपेंड होना हम नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी के कारण एजिंग हो रही है। ये चीज बाद में कंफर्म की गई कि सिर्फ इसके कारण नहीं हो रहे, और भी कुछ कारक होंगे जिनके कारण एजिंग हो सकती। पांचवी हम बात करेंगे, पांचवी थ्योरी की, जिसे हम बोलते हैं एजिंग पिगमेंट थ्योरी। ठीक है, जीर्णता वर्णक सिद्धांत। और जब हम बात करते हैं पिगमेंट की, तो कौन सा पिगमेंट होता है जो एजिंग को बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं लाइकोफुसिल, यानी कि ये क्या है, एक प्रकार का फ्लोरेसेंट पिगमेंट है, जिसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये उपस्थित है कोशिकाओं में, तो ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे कि ये कोशिकाएं कौन सी हैं, एजिंग देने वाली, यानी कि एज के कारण, ये कारण नहीं है, एज के कारण इसके अंदर कोशिकाओं में इस प्रकार का
स्ट्रक्चर या इस प्रकार की संरचना सब्सटेंस पदार्थ देखने को मिलता है जो कैसा है फ्लोरोसेंट प्रकार। जब हम बात करेंगे लाइपोफूसिन की तो इसे हम स्टेन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं ग्रेन्यूल्स कणिकाएं उपस्थित रहती है ठीक है तो इसको स्टेनिंग भी आसानी से की जा सकती है। सुडान ब्लैक से भी हम इसे स्टेन कर सकते हैं ठीक है और इसकी उपस्थिति दिखने पर हम बोलते हैं कि एजिंग है यानी कि कोशिकाओं पे ये मिल जाती है तो हम बोलेंगे कि जीर्णता वाली कोशिकाएं हैं राइट तो इसी को हम बोलते हैं एजिंग पिगमेंट थ्योरी ठीक है। अब सेकेंड सेट ऑफ थ्योरी पर आएंगे हम दूसरी प्रकार की सिस्टम थ्योरी या फिर तंत्रीय थ्योरी ठीक है। तंत्रीय सिद्धांत सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है वहां पर एजिंग यानी कि सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स हमारे बॉडी के ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि एजिंग को लेकर जाते हैं। अब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में दो पार्ट्स ऐसे हैं जो एजिंग लेकर आते हैं पहला तो है थाइमस और दूसरा है मस्तिष्क यानी ब्रेन। हम थाइमस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है राइट जैसे जैसे एजिंग बढ़ रही है मतलब हमारी आयु बढ़ रही है तो थाइमस क्या होती है धीरे धीरे फंक्शन करना कार्य करना कम कर देती है ठीक है उसका फंक्शन डिक्रीज हो जाता है ठीक है एज के साथ साथ। तो ये क्या करती है हमने पढ़ा था टी सेल्स बी सेल्स इनको कम बनाएगी और कुछ ऐसे श्रावण करती है जो कि खुद की कोशिकाओं को ही नहीं पहचान पाते यानी कि हम बोल रहे हैं कि एज के साथ जैसे जैसे आयु बढ़ रही है उसके साथ ये ऑटोलाइटिक प्रकार के एंजाइम्स को सिक्रीट करता है ठीक है जिसके कारण आत्मघाती जिसे हम बोलते हैं ठीक है ऑटो मीन्स खुद को ही लाइटिंग मतलब खुद को ही तोड़ रहा है ठीक है ऐसे एंजाइम्स को ये स्रावित करेगा सिक्रीट करेगा जो कि खुद को ही तोड़ेंगे यानी कि अगर खुद का प्रोटीन है तो वो उसे भी पहचानने से बॉडी मना कर रही है उसको भी तोड़ रही है तो एक तरह से क्या होगा यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है जो हम बोलते हैं हमारे डिजीजेस से फाइट करता है वो इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता ठीक है जिसके कारण डिजीजेस ज्यादा हो सकते हैं बीमारियां जो होंगी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये दो ऐसे प्रकार के सिस्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में उपस्थित हैं और इन दोनों के कारण एजिंग आ सकती है यानी कि कोशिकाओं की डेथ हो सकती है ठीक है बॉडी की मृत्यु भी हो सकती है क्योंकि एज के बाद नेक्स्ट क्या होगा स्टेज इसके बाद क्या होगी डेथ ही तो आएगी ठीक है नेक्स्ट स्टेज ही है। तो इस तरह से सिस्टम थ्योरी बोलता है कि हमारी बॉडी में ही सिस्टम्स ऐसे उपस्थित हैं ऐसे तंत्र उपस्थित हैं जिनके कारण एजिंग आती है ठीक है। ये हमारी थी सेकेंड थ्योरी। अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी की जो कि है जेनेटिक थ्योरी। इसे हम जीन के आधार वाली थ्योरी भी बोलेंगे। जेनेटिक मतलब क्या होगा कि जीन का नियमन करने वाले सिद्धांत यानी कि सबसे पहले इसमें इन्वॉल्व क्या होगा जीन ठीक है यानी कि एक चीज ये भी हम बोल रहे हैं वहां पर कि अगर हमारे बॉडी के अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे जीन उपस्थित हैं जिनके कारण जो एजिंग है वो बढ़ती ठीक। जैसे हम दो एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं एक हम बात करते हैं एलडीएच पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में लैक्टेज
या हम बोलते लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज प्रकार का ये एंजाइम। ठीक, तो इसका जीन भी उपस्थित होगा। और हमने ये पढ़ा था कि एलडीएच जो है ये 5 टाइप है, 5 प्रकार से उपस्थित। ठीक, चाइल्ड जो होगा, बच्चा जो होगा उसके अंदर अलग प्रकार का होगा, एडल्ट में अलग प्रकार का एलडीएच, ये चीज हमें पता है। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कि एज के साथ साथ एलडीएच जीन में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, एलडीएच जीन जो है इस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है कि जिस एज में जो ऑर्गन है या ऑर्गेनिज्म है वो है उसी प्रकार का एलडीएच वो क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार के एलडीएच को वो एक्टिवेट कर रही है, सक्रिय कर रही है ताकि एजिंग हो सके। तो एक हम बोलते हैं एलडीएच जीन के कारण ही एजिंग होती है। दूसरी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित है। हीमोग्लोबिन भी हम मान के चलते हैं कि अलग अलग प्रकार का होता है, यंग एज में अलग होगा, फीटस में अलग होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन अलग होता है, यानी कि वहां पर भी बीटा चेन जो होती है उसमें चेंजेस होते हैं, बदलाव आते हैं और हीमोग्लोबिन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का होगा। तो ये भी एक प्रकार से क्या कर रहा है, एजिंग को हमारी बढ़ा रहा है। ठीक है, तो जीन लेवल पर हम बात करते हैं तो जीन्स भी हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि एजिंग को बढ़ा रहे हैं। प्लस दूसरी चीज हम ये भी बोलते हैं कि बाहर का जो वातावरण है वो भी एजिंग को, हमारी जीवनता को बढ़ा सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पर हमारी बॉडी में कोई एजिंग जीन उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि अगर एजिंग जीन हमारी बॉडी में उपस्थित होता तो क्या होता, एक हमारी बॉडी में इमॉर्टल जीन भी होता, यानी कि हम मर ही ना पाए, ऐसा कोई जीन की उपस्थिति भी देखी जाती। ठीक है, ये तो सिर्फ हम बोल रहे अलग अलग फॉर्म्स है। ठीक है, कि भाई एज बढ़ेगी तो इस प्रकार से वो हीमोग्लोबिन ऐसे बदल जाए। ठीक है, ये नहीं बोल रहे कि एजिंग जीन ही है वो डायरेक्टली एजिंग को ही लेकर आ। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिला कि एजिंग जीन बन सके हमारी बॉडी, तो हम ये मान के चलते हैं कि हाँ जीन लेवल पर या जीन्स में परिवर्तन ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण एजिंग हो रही, बट अकेला वो रिस्पॉन्सिबल हो ये हम नहीं कहते, कहीं से भी ये चीज हम नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ चौथी प्रकार की थ्योरी की, जो कि आती है हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी। ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसमें पहली आती है एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन, जो कि दी थी पीटर मेडवा ने। दूसरी आती है एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉप थ्योरी, यानी कि सिद्धांत। और तीसरी आती है डिस्पोजेबल सोमा थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले की हम बात करेंगे ये तीनों थ्योरी किस पर है आधारित, उत्परिवर्तन पर आधारित, यानी कि इवोल्यूशन पर आधारित है। इवोल्यूशन के आधार पर हम यहां बात करेंगे कि एजिंग हो रही। पहली है एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन, यानी कि यहां पर साफ साफ हम बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन जो है वो एक प्रकार से एक के बाद एक संचित होता जा रहा है, एक्यूमुलेट होता है, यानी कि एक कोशिका में हल्का सा परिवर्तन हुआ तो वो म्यूटेशन कहलाएगा, सडन चेंज हम कहते हैं तो म्यूटेशन हो। ये कोशिका आगे बढ़ेगी तो इतना सा चेंज हुआ, बाद में काफी टाइम बाद
ठीक है, ईयर्स हम बोल सकते हैं, वापस इसमें एक चेंज होगा तो वो म्यूटेशन लेके चल रही है। अब आगे अगर जाएगी तो वो भी वो म्यूटेशन थी लेके चल रही है। तो इस तरह से यहाँ बोलते हैं हम कि जैसे जैसे म्यूटेशन हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, वैसे वैसे एजिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बने, ठीक है। तो हम तक आते आते काफी सारे म्यूटेशन हुए होंगे, ठीक है, ये चीज हम मान के चलते हैं। तो हम बोलते सबसे सिंपल जो अमीबा की हम बात करते हैं उसको हम मान के चलते हैं, वो इमोर्टल प्रकार का है, वो कभी मरता ही नहीं, लेकिन उसमें जैसे जैसे म्यूटेशन इकट्ठे होते गए, ठीक है, वो एनवायरमेंट के साथ चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ म्यूटेशन हार्मफुल प्रकार के भी होते हैं, हानिकारक प्रकार के भी होते हैं। तो उन्होंने यही बोला पीटर मेडावर ने कि जैसे जैसे म्यूटेशन इकट्ठे होते जा रहे हैं, क्यूमुलेट होते जा रहे हैं सेल्स में, कोशिकाओं में, तो वो एजिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है। बाद में इसको डिस्कार्ड भी किया गया था कि एजिंग के लिए सिर्फ म्यूटेशन काफी नहीं। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉपी थ्योरी। ये थ्योरी दी थी सी विलियम ने। इन्होंने बोला एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, पहली बात तो कि अपोजिट वर्क कर, ठीक है, यानी कि एक जीन है या एक एंजाइम है या हम किस भी बोल सकते हैं प्रोटीन है, वो पहले तो क्या कर रहा है, पहले तो क्या कर रहा है, जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर यंग एज में है तो वो प्रोटीन क्या कार्य कर रहा है, वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज है बॉडी की उनको नियमित कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, उनको करवा रहा है। लेकिन जैसे ही एजिंग होती है, तो हम यंग एज की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एजिंग होती है तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है। यानी कि ये एक्टिविटीज को पहले तो बढ़ाने का कार्य कर रहा है और बाद में एक्टिविटीज को उन्हीं क्रियाओं डिक्रीज करने का कार्य कर रहा है, कम करने का कार्य कर रहा है, जिसके कारण एजिंग। यानी कि एक प्रोटीन का जो नेचर है वो कैसा है, एंटागोनिस्टिक, कि जब जरूरत है शरीर को तब वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, जब जरूरत नहीं है धीरे धीरे एज बढ़ रही है उसके साथ उसकी एक्टिविटी बिल्कुल विपरीत है, उसकी जो क्रिया है वो बिल्कुल विपरीत हो रही है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉपी। यानी कि ये दो प्रकार के फंक्शन रख रहा है। तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में भी इनके अकॉर्डिंग, सी विलियम ने बताया उनकी थ्योरी, उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बोला कि हमारे शरीर में भी इस प्रकार के प्रोटीन उपस्थित हो सकते हैं जो दो प्रकार का नेचर रखते हो, दो प्रकार की प्रकृति रखते हो। एक तो कि ये नॉर्मली हम क्रियाओं को बढ़ाते हैं और जब एजिंग होती है तो इनकी क्रियाएं घट जाती हैं, यानी कि विपरीत तरीके से कार्य करते हैं। लास्ट हमारी थ्योरी आती है डिस्पोजेबल थ्योरी, सोमा थ्योरी। डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है कि अब इसका यूज खत्म हो चुका है, अब इसको फेंक दिया चाहिए, कहते हैं डिस्पोज कर रहे, यानी कि खत्म हो गया उसका काम, अब उसको डिस्पोज कर दो, फेंक दो, ठीक है। सोमा यानी कि बॉडी, शरीर, कोशिकाएं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नाश्वर शरीर सिद्धांत। यानी कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, यानी कि वो कभी ना कभी जाकर डेथ आनी है, ठीक है। हम इमॉर्टल नहीं है, हम अमर नहीं है, हमें कभी ना कभी जाके मरना ही है, तो उसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल सोमा। यानी कि हम ये भी बोलेंगे कि लाइफ स्पैन जो है, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन जो है, जीवन काल जो है वो निश्चित, ठीक है, अलग अलग है और निश्चित भी है। तो अगर हम बोलते हैं कि रिपेयर सिस्टम, ठीक है, रिपेयर का मतलब क्या हुआ है वहां पर, कि अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंज आ गया, कहीं लग गई, चोट आ गई, तो बॉडी के पास खुद ही ऐसे सिस्टम है कि वो अपने आप रिपेयर हो जाए, अपने आप को ठीक कर, ठीक है।
ऐसे रिपेयर सिस्टम बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे डीएनए में चेंज आया तो डीएनए में रिपेयर भी चल रहा है, चेक हो रहा है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो सही तरीके से लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रिपेयर सिस्टम। और हम बोलेंगे जितनी छोटी लाइफ स्पैन है किसी की, जितना छोटा जीवन काल है उतना ही रिपेयर सिस्टम कैसा होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। और जितनी बड़ी जीवन काल है उतना रिपेयर सिस्टम कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी कि सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, लाइफ, क्योंकि रिपेयर करने में क्या लगता है, बहुत एनर्जी यूज में आती। तो जितने छोटे ऑर्गेनिज्म, जितनी छोटी साइज और जितनी छोटी लाइफ स्पेन है जंतु की, जीवन काल है, उतने ही कम रिपेयर सिस्टम है वहां पर, ठीक है। उतना ही वो अपने आप को ज्यादा ठीक नहीं करते हैं, ज्यादा अच्छे लेवल पर ठीक नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं वो ज्यादा बन सके, ठीक है। तो डिस्पोजेबल थियोसोमा थ्योरी का साफ साफ मतलब यही है कि एक ना एक दिन तो कोशिकाओं को जाकर मरना है, या हमें जाकर मरना है, क्योंकि हमारा शरीर नाश्वर है, वो जीवित नहीं रह सकता ऑल टाइम। तो एजिंग सेल्स के अंदर ही है, हमारे शरीर में ही, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ एक चीज पर नहीं बोलेंगे कि इवोल्यूशन या उत्परिवर्तन के कारण एजिंग आ रही है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जीन भी ऐसे हैं हमारे शरीर में, हमारा जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, वो भी ऐसा ही है, और प्लस इसी के साथ जो हमारी कोशिकाएं हैं उनमें भी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ एक्यूमुलेटेड होते हैं। ये चारों चीजें आपस में मिलकर एजिंग को करवाती है। कोई एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई एक कारण है ही नहीं एजिंग, ठीक है। सब आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर एजिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से चार प्रकार की थ्योरीज हमने देखी एजिंग की। यानी कि पहली बात तो हमने की थी सेल्स की, कोशिकाओं की। दूसरी बात की हमने सेल्स में ही पांच प्रकार की थ्योरीज थी। दूसरी बात की हमने सिस्टम की, तंत्र की। तीसरी बात की हमने जीन्स की, जेनेटिक की। और चौथी बात की हमने उत्परिवर्तन, इवोल्यूशन, ठीक है। और ये चारों आपस में मिलकर एजिंग को करवाते। तो ये सभी कॉजेस हुए, कारण हुए एजिंग।